पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा, प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इंदौर के राजवाड़ा पर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता इस अनूठे प्रदर्शन के दौरान खिलौने वाला हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे और मोदी सरकार को हेलीकॉप्टर में उड़ने वाली सरकार बताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में नेताओं की चांदी हो रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। कांग्रेस ने लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए हैं, परंतु मोदी जी के कान पर जूनी रेंग रही है। सिर्फ हर देश का परिधान पहन रहे हैं, हर देश के वहाँ जाके $1,00,000 की सहायता दे रहे हैं, अपना घर समझ नहीं रहा है, अपनी जनता के हित साधे नहीं जा रहे हैं। लेकिन विदेशों में गुणगान की आदत मोदी जी के ऊपर इतनी चढ़ गई है कि देश की जनता नजर नहीं आ रही है, लेकिन विदेश में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए हथकंडे अपनाकर कहीं तीर चला रहे हैं, कहीं चोगा पहन रहे हैं, कहीं भोंगे पे बोल रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जो गरीबी की मार में मर रही है, उसके आंसू पोंछने का उनको समय नहीं है। वहीं इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार को घेरे में लिया। आप कार्यकर्ताओं ने यहां बैलगाड़ी पर बाइक रखकर विरोध जताया और पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने के लिए अपनी आवाज भी उठाई। आप कार्यकर्ताओं ने हाथ से कार और अन्य वाहनों को धकेल कर भी अपना विरोध प्रकट किया। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर हो रहा है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि 15 दिन में 7 रुपए से ज्यादा की वृद्धि पेट्रोल में की गई और 5 रुपए से ज्यादा की वृद्धि डीजल में की गई, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और सभी चीजों पे महंगाई का मार शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार का किसी चीज पे कोई कंट्रोल अब रहा नहीं है। मोदी जी घूमने में लगे हुए हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, अपने देश में नहीं आते हैं और वृद्धि इस तरह से हो रही है कि जनता मरी जा रही है उस वजह से। तो ये जो बोझ है ये कम होना चाहिए जनता के ऊपर, और इतना तो कभी किसी सरकार में नहीं हुआ जितनी वृद्धि इन्होंने की है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और अनूठे प्रदर्शन के जरिए भी मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।